अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही वड़े। मैंने 300 ग्राम उड़द दाल लेके हमने इसको 3 घंटा पहले भिगो दिया था। अब इस साइड में रखेंगे। हमने एक स्टील के तपेले में हमने 1 कप पानी में थोड़ा खजूर और थोड़ा इमली, थोड़ा गुड़ हमने बॉईल होने रखा है। 8 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब हम इसको छान लेंगे। अब हम एक गैस पे छोटा पैन चढ़ाएंगे। थोड़ा सा तेल डाल के हम उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। अब जो हमने जो इमली का जो जूस निकाल के रखा था वो उसमें ऐड करेंगे। अब जाएगा उसमें थोड़ा नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गाढ़ा होने तक हमको इसको पकाना है। अब हम इसको गैस को स्लो फ्लेम पे रख के हम इसको पकने देंगे। ये पक रहा है, साथों साथ हम ग्रीन चटनी की भी तैयारी कर लेते हैं। हमने हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और नमक ले लिया है। हम पीस लेंगे उसको। और अब जो उड़द दाल हम भिगो दिया था उसको भी पीस लेंगे। अब पीसने के बाद उसको अच्छे से फेर लेंगे, हाथ से फेरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये ग्रीन चटनी हमारी रेडी हो चुकी है और ये मीठी चटनी भी रेडी हो चुकी है। ये हम इसको साइड में कर लेंगे। अब जो हमारा आटा वो भी पीस के रेडी हो चुका है। अब जाएगा नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, मिला लेना है अच्छे से। हमने 400 ग्राम दही का डब्बा ले लिया, आप चाहे तो 500 से 600 ग्राम भी ले सकते हो। इसमें चीनी डाल के अच्छे से फेंट लेंगे दही को भी। अच्छे से फेंटना है। दही भी रेडी हो चुका है, अब इसको साइड में कर देंगे। हमने एक पैन में तेल गर्म होने चढ़ा चुके थे। अब हम एक एक करके इसमें पकौड़ा डालेंगे। पकौड़ा का पैटर था दूर दूर करके डालना है। वड़े कितने अच्छे से माशाल्लाह फूल रहे हैं। ज्यादा इसको डार्क कलर नहीं करना है, इसका कलर लाइट रहेगा। अब हम इसको तेल से बाहर निकालेंगे। रेडी हो चुका है वड़े हमारे। हमने एक तपेले में ठंडा पानी ले लिए थे पहले से और उसमें वड़े जो हम फ्राई करके जो निकाल रहे डायरेक्ट उसी में डालेंगे। सारे बड़े ऐसे फ्राई करके हम इसको पानी में डाल के हम इसको निकाल देंगे। पानी में से निकालने के बाद आप उसको हल्के से हाथ से प्रेस करके जो बचे हुए उसमें जो पानी वो निकाल देंगे। सारे हम ऐसे करेंगे सेम।
हल्के हाथ से प्रेस करके जो बचा हुआ अंदर पानी निकाल देंगे। अभी हमारे वड़े रेडी हो चुके थे, स्पंजी हो गए। हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें सब वड़े हम अभी डाल देंगे। सबसे पहले हम जो दही फेंट के रखा हुआ था दही डालेंगे। इसे कवर कर लेना है दही से वड़े को। अब उसमें जाएगा हरी हरी चटनी। मीठी चटनी जाएगा, नमक, जीरा पाउडर, अब जाएगा लास्ट लाल मिर्च पाउडर। ये दही बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।